शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग भूल गए जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय 37 आरएसएस के प्रचारक जिन्हें जिंदा जला दिया गया था और सैकड़ों लोगों का कत्ल कर उन्हें घर फूंक दिए गए थे। डॉक्टर मंगल सेन को इमरजेंसी में मिर्च के बोरे में बंद कर दिया गया था। वहीं रामविलास शर्मा को 5x5 की कोठरी में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि असल में लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की है। उन्होंने कहा कि अटल सरकार के पहले विपक्षी सरकारों को चलने नहीं दिया जाता था। अटल सरकार आने के बाद विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हलके के सभी ग्रामीण इलाकों का दौरा कर लिया है। शहर में भी 40 से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं। और कांग्रेस आने वाली और मेरी शुभकामनाएं है बच्चों को, दोनों तो आना है, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। वही की तो अपने घर में नहीं प्यार है, अब देख लो शैलजी जी का, हुड्डा साहब का कितना प्यार है और दूसरे जो और लोग हैं उनका भी आप देख लो, सुरजेवाला का और हुड्डा साहब का कितना प्यार है, किरण जी का और हुड्डा साहब का कितना प्यार है। तो इनका अपने घर में ही प्यार नहीं है तो देश में कहां से प्यार बांट देंगे, इनका तो अपने घर में प्यार नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश में बढ़ती हुई नशाखोरी पर चिंता प्रकट की है। किरण चौधरी ने कहा कि अब भिवानी भी नशे का गढ़ बन गया है। भिवानी और नूह जिला नशाखोरी और साइबर क्राइम में हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण बेरोजगारी और नशाखोरी पर बंदिश न लगाना है। वहीं प्रदेश के 7 जिलों में सरसों की खरीद 2 दिनों के लिए शुरू करने पर किरण चौधरी ने कहा कि उसे 10 दिन का किया जाना चाहिए ताकि सभी किसानों को एमएसपी मिल सके। वहीं उन्होंने बीजेपी जेजेपी पर 5100 रुपए पेंशन का वायदा पूरा न किए जाने का आरोप लगाया। वहीं महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के मौका मिलने पर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि रावदान सिंह उनके सामने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात नकार चुके हैं, वे खुद उनसे गुड़गांव सीट की सिफारिश जरूर कर रहे हैं। किरण चौधरी ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के सवाल पर कहा कि कर्नाटक हिमाचल की तर्ज पर न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस फिर से अपना परचम लहराएगी। भिवानी जो है ये हॉटस्पॉट बन गया है नशे का और ये बहुत ही गंभीर बात जो है ये आज मैंने आपको कही है, ये क्रिमिनल्स का ही अड्डा बन जाएगा। जब नशेड़ी जब सारी जगह घूमते हैं तो आप जानते हो ये क्रिमिनल्स का अड्डा बनता है और इससे साफ नजर आता है कि जो बेरोजगार यूथ जो है बेरोजगारी की आलम इतना जबरदस्त है कि नशे की आड़ में बच्चे जो हैं अपना जो है अपने आप को जो है उसमें वो कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जब बेरोजगारी इतनी जबरदस्त होती है तो फिर हताश होके जो है युवा इस तरफ इन चीजों की तरफ मुड़ता है। और आज जो है भिवानी के अंदर जो मुझे पता चला है कि एक तो नूह डिस्ट्रिक्ट है और एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारे हॉटस्पॉट्स बन गए हैं साइबर क्राइम के। साइबर क्राइम का जो है हम हॉटस्पॉट बन गए हैं। नशा अलग है, साइबर क्राइम अलग है। सो इस तरह की घटनाएं जो है भिवानी के अंदर होती जा रही है, इसके ऊपर बहुत ही चिंताजनक बात है और सरकार जो है इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। और अब बड़ी खबर, फरीदाबाद से उपमंडल कार्यालय में धरने पर बैठे वकील प्रशासन पर लगाया सीटों पर बुलडोजर चलाने का आरोप। तोड़ी गई सीटों को लेकर वकीलों ने किया विरोध, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नाराज दिख रहे वकील। बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, उपमंडल कार्यालय में धरने पर वकील बैठे हैं, प्रशासन पर सीटों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। तोड़ी गई सीटों को लेकर वकीलों ने विरोध कर नाराजगी जताई है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर वकील धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, प्रशासन के द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई से वकील नाराज हैं और अब वो
धरने पर बैठे हुए। प्रशासन के खिलाफ वकीलों का धरना जारी है। तोड़ी गई सीटों को लेकर वकीलों ने यह विरोध शुरू किया है। उपमंडल कार्यालय में वकील धरने पर बैठे हैं। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ये विरोध जारी है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिसे लेकर समालका हलके से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह के कार्यालय पर सैकड़ों समर्थकों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। वहीं विधायक धर्म सिंह चौककर ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर समालका से हरिद्वार के लिए बस सेवा चालू की है, जिसे समालका के लोग निःशुल्क हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा सकेंगे। विधायक धर्म सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी राज में खुद बीजेपी के विधायक भी परेशान हैं और वे अपने हलकों में जाते हुए डरते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से धोखा किया जा रहा है। गंगा स्नान के लिए अपने समालका हलका वासियों को देखते हुए आम आदमी बस का किराया भी उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि समस्या को देखते हुए हर आदमी जाता, मैं हर दुआ नहा के आऊं, हर गुजर जाता, बूढ़ा जाता, बुढ़िया जाती है, हर चाहते हुए भी स्नान नहीं कर पाते। मैंने पहले बसें हमारी पहले चलती थी, हमारी जो खानपुर पीजीआई दो तीन बस चलती हैं, उनको हम सैटरडे संडे को लोगों को गंगा स्नान करा के लाते थे, बट अब रिक्वायरमेंट ज्यादा को देखते हुए लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, तो वो बसें एकदम प्लीज स्पेशल तीन बसें खानपुर पीजीआई के लिए और दो बसें हमने गंगा स्नान के लिए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो गया है, जहां एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मार ली है। बता दें कि 77.7% शहरी क्षेत्रों का रिजल्ट रहा, तो वहीं ग्रामीण में 83.51% रिजल्ट रहा। तो वहीं दूसरी ओर 10वीं बोर्ड की रिजल्ट कल यानी मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। जननायक जनता पार्टी जल्द ही विदेशों में बसे हरियाणवी लोगों और विदेश जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुए एक विशेष कार्यक्रम में जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने घोषणा करते हुए कहा कि जेजेपी संगठन में प्रवासी प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा और इस साल नवम्बर में दुनिया के 5 शहरों में पार्टी हरियाणा दिवस भी मनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी विदेशों में बसे लोगों को हरियाणा से जोड़ने की पहल कर रही है, जो पहले किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में व्यवस्था बनाकर प्रवासी हरियाणा वासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा, साथ ही पार्टी में प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा और इसके जरिए विदेश में बसे हरियाणा वासियों से निरंतर संवाद जारी रहेगा। उन्होंने मेलबर्न के उद्यमियों और व्यवसायियों को हरियाणा आने का न्यौता दिया और कहा कि हरियाणा सरकार और जेजेपी उनके साथ मिलकर काम करना चाहेगी। Hey, Mom. Hey, look, I get